Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our topic is grammar. Grammar is the branch of linguistics that deals with syntax and morphology, and sometimes also deals with semantics and morphology. Linguistics क्या है? Linguistics is the scientific study of a language. Linguistics क्या है? ये science की study है, science की पढ़ाई है एक ज़ुबान के बारे में. So grammar जो है ये linguistics का क्या है? एक ब्रांच है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे syntax के बारे में. Syntax क्या है? The arrangement of words to form a well-formed sentence. ये क्या है? ज़ुबानों की या words की क्या है? एक तरतीब है कि हम क्या बनाए उसके? एक well-formed, एक अच्छी sentence बनाए. इसके बाद morphology क्या है? The arrangement of साउंड्स. ये आवाज़ों की क्या है? तरतीब है कि एक वर्ड्स के बारे में एक वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे. आखिर में है सेमेंटिक्स. तो सेमेंटिक्स क्या है? द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस और अ टेक्स्ट. ये क्या है? इसके बारे में, मतलब वर्ड्स के बारे में, प्रेयर, सेंटेंस या टेक्स्ट. टेक्स मतलब पैगाम, मैसेज जिसको हम कहते हैं. उसका जो माना है उसके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं? सेमेंटिक्स. सो द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज का एक शाख दे डील विद सेंटेक्स एंड मॉर्फोलॉजी. सेंटेक्स के बारे में उसका ताल्लुक है और मॉर्फोलॉजी से, एंड समटाइम्स ऑल्सो डील विद सेमेंटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी. और ग्रामर का इसके बाद क्या, किस से ताल्लुक है? सेमेंटिक्स और मॉर्फोलॉजी के बारे में. So linguistic is the scientific study of language. Syntax is the arrangement of words to form a well-formed sentence. And morphology is the arrangement of sounds, मतलब आवाज़ों की तरतीब. And semantics is the meaning of a word, phrase, sentence or a text. Semantic क्या है? कि हम words के माना, phrases का माना, sentence या किसी पैगाम का माना. So इस सारे study जो है ये क्या, किसके बारे में है? Grammar के बारे में. So grammar ये है. It's enough for today.